बागबान वॉज अनदर फिल्म विच वॉज शॉट इन लंडन. बहुत समय बाद एक अच्छी इमोशनल फैमिली ड्रामा ओरिएंटेड फिल्म आई थी जो कि मल्टी स्टारर भी थी. लोगों ने इसे काफ़ी अप्रिशिएट किया था. चलिए सुनते हैं इस फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग खबरें. क्लाइमैक्स सीन शूट होने वाला था सो अमिताभ जी पहुंच गए जावेद अख्तर के पास कि कह दिया कि मेरे लिए एक बढ़िया सा सीन लिख दो एंड जावेद अख्तर डिड हिज जॉब. बट ये देखते हुए सलमान खान वेंट टू हिज डैड मतलब जस्ट हाफ एन आवर बिफोर द शूट. कैन यू इमेजिन. और सलीम खान ने उनके लिए भी एक बढ़िया सा डायलॉग लिख दिया बस आधे घंटे में. और फिर आप वो क्लाइमैक्स देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं जावेद अख्तर और सलीम खान का मैजिक ऑन स्क्रीन. वेल, यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ की शूट हुई हैं जैसे कि जेम्स बॉन्ड, स्काईफॉल, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, शंघाई नाइट्स एंड मैनी मोर. लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं, हमारे सलमान की वीर भी यही शूट हुई थी. आजकल बायोपिक्स का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में और हो भी क्यों ना, अगर हम अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा. ऐसी एक फिल्म लेकर आ रही है तापसी पन्नू. वर्किंग टाइटल है शाबाश मिट्टू. ये है बायोपिक मिताली राज पर जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है. शाबाश मिट्टू के काफ़ी सारे सीन्स लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भी शूट हुए थे. काफ़ी इंडियन टैलेंट को बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है. रिसेंटली द यंग टैलेंट आदर्श गौरव वॉज नॉमिनेटेड फॉर वाइट टाइगर, येस, एंड अनुपम खेर वॉज नॉमिनेटेड एज अ सपोर्टिंग एक्टर फॉर द बॉय विद द टॉप नॉट. हु वॉज इट अगेन? देव पटेल, द इंडियन एक्टर विद ब्रिटिश ओरिजिन, येस, स्लम डॉग मिलियनेयर में जिसको आपने देखा था उसे भी मेन लीड के लिए बाफ्टा नॉमिनेट किया गया था. एंड ही वॉज नॉमिनेटेड अगेन फॉर सपोर्टिंग रोल इन द फिल्म लायन. और एक ही ऐसी इंडियन एक्ट्रेस है हु वन द बाफ्टा अवार्ड एंड शी इज नो अदर देन रोहिणी हट्टिंगरी फॉर 1982 फिल्म गांधी.